आज हम आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध उत्साह की एक व्याख्या बताएंगे। दुख के वर्ण में जो स्थान भय का है, वही स्थान आनंद सर्ग में उत्साह का है। भय में हम प्रस्तुत कठिन स्थिति के नियम से विशेष रूप में दुखी और कभी कभी उस स्थिति से अपने को दूर रखने के लिए प्रयत्नवान भी होते हैं। उत्साह में हम आने वाली कठिन स्थिति के भीतर साहस के अवसर के निश्चय द्वारा प्रस्तुत कर्म सुख की उमंग से अवश्य प्रयत्नवान होते हैं। उत्साह में कष्ट या हानि सहने की दृढ़ता के साथ साथ कर्म में प्रवृत्ति होने के आनंद का योग रहता है। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। कर्म सौंदर्य के उपासक ही सच्चे उत्साही कहलाते हैं। यह अवतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति चिंतामणि भाग एक के निबंध उत्साह से लिया गया है। इसमें शुक्ल जी ने उत्साह के स्वरूप को स्पष्ट किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बताते हैं कि भय जिस प्रकार दुख के वर्ग का भाव है, उसी प्रकार उत्साह आनंद के वर्ग का भाव है। भय का भाव उत्पन्न या जागृत होने पर हम प्रायः दुखी हो जाते हैं और तब हमें ये निश्चय हो जाता है कि स्थिति बड़ी कठिन है और उससे उबर पाना मुश्किल या असंभव है। कभी कभी हम उस स्थिति से उबरने का, उस स्थिति से अपने को दूर करने का प्रयत्न भी करते हैं। उत्साह उत्पन्न होने पर तो हम आने वाली कठिन स्थिति को सुलझाने का पूरा प्रयत्न करते हैं। तब हम ये सोचकर प्रयत्न करते हैं कि अब हमें अपना साहस दिखाने का अवसर प्राप्त हो सकेगा, हमें कर्म करने का अवसर मिलेगा। हम कठिन स्थिति से उबरने का जो कर्म करते हैं, उस कर्म में हमें सुख का अनुभव होता है। इसी प्रकार उत्साह में कष्ट या हानि को सहने की दृढ़ता का अनुभव करते हैं, कर्म करते हैं और यह सब उत्साह पूर्वक करते हैं, न कि दुखी होकर। इस तरह साहस, आनंद और कर्म करने की उमंग का योग ही उत्साह कहलाता है।